अब चलिए अपने खास प्रोग्राम चुनावी पंडित को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद आपको लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देना है। तो आज चुनावी पंडित में हम बात करेंगे तीसरे चरण की 10 सीटों के बारे में, यानी बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बदायूं, आंवला, फिरोजाबाद और मैनपुरी, साथ में रामपुर की। इन सभी सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन की कुंडली क्या कहती है, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, चुनावी पंडित आचार्य धनंजय जी। गुरु जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए आचार्य जी से जानते हैं सबसे पहले कि इन 10 सीटों को लेकर भाजपा की कुंडली क्या कहती है। गुरु जी, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 16 अप्रैल 1980 को, मुख्यालय इनका नई दिल्ली में है, इसी तिथि पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली के आधार पर जो मैंने निर्णय लिया है और जो इन 10 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके जो आंकड़े हैं, उनकी जब आपस में तुलना करके मैं देखता हूँ तो बृहस्पति की जो वक्री होने वाली स्थिति हो रही है और गोचर से जो बृहस्पति के परिवर्तन की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ तो है, लेकिन ये उतनी बलवान स्थिति नहीं है जो कि 22 अप्रैल तक थी। मेरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। मंगल का भी जो संबंध शुक्र ग्रह से बन रहा है और शुक्र का जो संबंध नीचस्त बुध के साथ स्थापित हो रहा है, ये दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के ग्रहीय ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार केवल एक ग्रह भारतीय समय में गोचर से सूर्य की स्थिति, सूर्य चूंकि राजनीति में बहुत ही प्रबल ग्रह माने गए हैं और सूर्य को राजनैतिक दृष्टिकोण से बहुत ही शक्तिशाली, सक्षम और प्रबल माना गया है। सूर्य का जो संबंध बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो इनको सुफल दे रहा है, लेकिन मंगल भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूपेण फलीभूत नहीं हो पा रहा है और वर्तमान समय की ये ग्रह स्थितियां इनके लिए नुकसानदायी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 सीटों के लिए अगर कुंडली की हम बात करते हैं तो शुभ तो है लेकिन बलवान नहीं है, आप ये कह रहे हैं गुरु जी। लेकिन तीसरे चरण में भाजपा के ग्रहों की चाल अगर देखें तो चाल क्या कहती है ग्रहों की? नहीं, मैं तो इसको लेकर के बहुत सकारात्मक और संतुष्ट नहीं हूँ। जो इनकी क्षमता रही है, जो पिछले चुनाव में जो ग्रहीय जो स्थितियां थी उससे भी यदि तुलना की जाए तो मुझे लग रहा है कि ये कमजोर स्थिति है। और दूसरे संगठनों से जब मैं तुलना करके देखता हूँ, कांग्रेस के साथ या गठबंधन के साथ, और जो इनके प्रत्याशी हैं, इन लोगों की जन्म कुंडलियों का भी अध्ययन करके मैंने देखा और प्रश्न कुंडली के साथ उस पूरे तालमेल को जब मैंने देखा, तो मेरी दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम इनको संगठन के रूप में अपेक्षित है उसमें निराशा लगी इनके। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं 10 सीटों की। सबसे पहले हम मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। गुरु जी, मुरादाबाद में बीजेपी की जीत के आसार हैं क्या थोड़े बहुत भी? मुरादाबाद में मैं बहुत संतुष्टि की स्थिति में तो नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जो ये गोचर बदल रहा है इसमें थोड़ा सा समर्थन मिलेगा, पर फिर भी इसमें गठबंधन और कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत रहेगी। रामपुर के क्या हालात है? रामपुर में जया प्रदा, आजम खां एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जया प्रदा के सामने बहुत टक्कर होगी, बहुत ही कांटे की टक्कर होगी ये स्थिति, क्योंकि शनि की स्थिति वहां पर प्रबल है, राहु की स्थिति प्रबल है, और ऐसी स्थिति में चूंकि शनि को रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है, रामपुर के लिए तो बहुत ही कांटे की टक्कर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त है गुरु जी जया प्रदा को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त वाली स्थिति नहीं है। हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाया जाए, चाहे वो दूसरा पक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। असमंजस की स्थिति, बिल्कुल असमंजस की स्थिति रहेगी। संभल की बात करते हैं, संभल में बीजेपी के जीतने के चांसेस है क्या, आसार है संभल? देखिए, ये जितनी भी सीटें आपने बताई, इसमें जो एक स्पष्ट स्थिति बन सकती थी वो जो गोचर के परिवर्तन के कारण थोड़ी सी कमजोरी आ गई है भारतीय जनता पार्टी, तो पूर्ण रूपेण हाँ, कुछ सीट जैसे कि बरेली की सीट है या कुछ सीटों पर, अब जैसे मैनपुरी की सीट, या इस पर तो मैं एक तरफा जैसे शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव देख रहा हूँ,
लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत मजबूत फाइट की स्थिति तो बन रही है, लेकिन सीधे सीधे आप प्रत्याशियों के आधार पर भी, चूंकि ये आंकड़े भी उतने स्पष्ट नहीं है, जो इनकी जन्म कुंडलियां हैं वो भी उतनी स्पष्ट नहीं है। फिरोजाबाद की अगर बात करते हैं, फिरोजाबाद में क्या भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि पहले फिरोजाबाद में हार का सामना, बिल्कुल वही कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर कोई भी स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है। ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ गिनती में भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तीसरे नंबर पर होगी। हाँ, क्योंकि चाचा और भतीजे की टक्कर इन्हीं दोनों की लड़ाई वहाँ पर देखने लायक भी होगी और जनमानस में भी इसी का जिक्र होगा। कारण ये है कि चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, ये चार चार पांच पांच ग्रह इस बात को, इस तथ्य को समर्थन दे रहे हैं। और निजी तौर पर इन लोगों की जो जन्म कुंडलियां उपलब्ध हैं उसमें भी शिवपाल जी की जो ग्रही स्थिति है वो बहुत ही प्रबल दिख रही है। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति वहां दिख ही नहीं रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात ना करें या फिर शिवपाल और अक्षय यादव की बात करते तो फिर क्या होगा? फिर तो मुझे शिवपाल जी की जन्म कुंडली ज्यादा प्रबल लगती है। शिवपाल सिंह यादव के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मैनपुरी में किसका पलड़ा भारी होगा गुरुजी? क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक तरफ है और बीजेपी की तरफ से प्रेम सिंह। उसमें तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट हूँ कि मुलायम सिंह जी ही जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो कुंडली की जो स्थिति है वो बहुत प्रबल है, क्योंकि वो गढ़ भी है समाजवादी गढ़ भी है और दूसरा शनि का योग, राहु का योग सीधे सीधे उनके पक्ष में, तो जीत निश्चित है। बिल्कुल वही जीते। ठीक है, एटा में भाजपा के राजवीर सिंह को जीत मिलेगी क्या? हाँ, उनकी स्थिति प्रबल है। एटा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रबल है, लेकिन टक्कर हो सकती है। टक्कर रहेगी क्योंकि राहु गोचर से मिथुन राशि में अपनी उच्च की अवस्था में विराजमान है और राहु को शनि को रहस्यमय ग्रह माना जाता है। ये जब तक परिणाम दे न दे इनकी स्थिति को पूर्ण रूपेण नहीं माना जा सकता। चलिए बदायूं की बात करते हैं, बदायूं में भी कांटे की टक्कर है। बदायूं में बीजेपी के सितारे क्या कहते हैं? बदायूं में बीजेपी की स्थिति, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो ग्रही स्थिति है और जब से गोचर का ये परिवर्तन हुआ है और वक्री वाली जो स्थिति होती है, वक्र का अर्थ ही होता है कि सीधी चाल नहीं, टेढ़ी मेढ़ी चाल। ऐसी स्थिति में ग्रह अपना जो फल दे रहे होते हैं उससे वक्र स्थिति में बिल्कुल उनकी स्थिति बदल जाती है। हाँ, यदि ग्रह नीच की अवस्था में वक्री होता है तो उसके अशुभ फलों में कमी आ जाती है और शुभ फल देने लग जाता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति की तो अपनी ही राशि धनु राशि है और बृहस्पति का जो रंग है, मंगल का जो रंग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा जुड़ा। लेकिन यहाँ पे तो गुरु जी त्रिकोणीय मुकाबला भी है, कांग्रेस की तरफ से भी सलीम शेरवानी है और बदायूं धर्मेंद्र यादव एक तरफ, गठबंधन की तरफ से धर्मेंद्र यादव जी का पलड़ा ज्यादा बलवान है वहाँ, क्योंकि उनकी जो ग्रह धर्मेंद्र यादव जी। अब बरेली की बात हम करते हैं, बरेली में किस पार्टी का जादू चलेगा? बरेली में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की बात तो हमने कर ली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली हमने देख ली, लेकिन आप गुरुजी से जानते हैं कि आखिर कांग्रेस की कुंडली क्या कहती है इन 10 सीटों को लेकर? बिल्कुल, ये जो गोचर का परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की जो स्थापना की तिथि है 28 दिसंबर 1885, इनका भी मुख्यालय दिल्ली में है। गोचर के इस परिवर्तन से कांग्रेस को भी बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस चूंकि सीधे सीधे बृहस्पति से संबद्ध थे और अभी जो इनको लाभ मिल रहा था, जैसे ही ये गोचर का वक्री वाला ये जो परिवर्तन हुआ है बृहस्पति का, इसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति थी उसमें कमी आएगी और जो परिणाम होगा वो इनकी अपेक्षा के अनुरूप। लेकिन ये तो एक बहुत चिंतनीय बात हो सकती है गुरुजी कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो हालिया स्थिति है उससे भी खराब उससे भी खराब हो सकता है। तीसरे चरण में कांग्रेस के ग्रहों के चाल क्या कह रही है? हाँ, इनके लिए शुभ नहीं है। जो इनकी स्थिति और प्रबल हो सकती थी उसमें न्यूनता आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि मुरादाबाद में कांग्रेस के जीत के आसार हैं। हाँ, मुरादाबाद में इनकी स्थिति प्रबल है, मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी की स्थिति प्रबल है। अब रामपुर में आ जाते हैं, रामपुर में कांग्रेस के संजय कपूर मैदान में हैं, लेकिन वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन गठबंधन बीजेपी के सामने, क्योंकि वो उस स्थान के संदर्भ में भी शनि का, राहु का वो योग नहीं बनता, बृहस्पति की स्थिति भी वहां पर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कहीं से भी ये स्थिति मुझे मजबूत नहीं दिख रही। चलिए संभल की बात करते हैं, संभल में कांग्रेस के जीतने के आसार हैं क्या? देखिए कांग्रेस
की स्थिति कहीं कहीं पर तो बहुत ही प्रबल मुझे दिखी, प्रत्याशियों से जब मैं तुलना करके देखता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर अब 22 तारीख के बाद से 23 तारीख से जो प्रबलता दिख रही थी उसमें भी कमी आ रही है। चलिए एटा की बात करते हैं, एटा में कांग्रेस को जीत मिलने के आसार हैं? अगर है तो कितने हैं? नहीं, बहुत कम है, आसार है ही नहीं आप कह रहे हैं। सीधे सीधे जीत वाली स्थिति कह देना कांग्रेस पार्टी के संबंध में अब इस गोचर परिवर्तन के बाद तो मुश्किल, जब स्थिति दर्शक देख रहे हैं कांग्रेस को उसके बावजूद। चलिए बदायूं की बात करते हैं, बदायूं में कांग्रेस के सितारे क्या कहते हैं? बदायूं में भी देखिए कांग्रेस पार्टी चूंकि बृहस्पति से सीधा सीधा संबद्ध है, लग्न स्थान से, दशम स्थान से, और स्वगृही होने के बाद जो वक्री होने की स्थिति बनती है गुरु की, उसके अनुसार इनकी स्थिति में न्यूनता आएगी, जो जीत का अंतर होगा उसमें भी कमी आएगी, और कहीं कहीं तो जीती हुई बाजी हारने की स्थिति बन जाएगी, जो पूर्ण रूपेण सफलता की स्थिति या एक आवेश सा दिखता था उसमें न्यूनता आएगी। कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले से भी खराब होने वाली है आप कह रहे हैं। ठीक है, अब हम गठबंधन पर आ जाते गुरु जी, तीसरे फेज में गठबंधन का पलड़ा कितना भारी है कुंडली का कहती है? ये गोचर परिवर्तन पूर्ण रूपेण इन्हीं के पक्ष में, गठबंधन के लिए स्थिति दिन प्रतिदिन प्रबल होती चली जाएगी और पूरी तरह से इस गोचर परिवर्तन का लाभ गठबंधन को ही मिलेगा। इसका कारण चूंकि शनि शत्रुओं का नाश करने वाला ग्रह है और छठा स्थान शत्रु का होता है, शनि का पूर्ण समर्थन मिलना और दूसरा बृहस्पति के साथ शनि के संबंध का स्थापित होना पूरी तरीके से इनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि बुध का हरा रंग और शनि का नीला रंग, इस गठबंधन में भी ये रंग सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और बुध शनि मंगल राहु ये योग इनको पूर्ण रूपेण समर्थन दे रहा है। गठबंधन की कुंडली शुभ भी है और बलवान भी है। बलवान भी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब गठबंधन के ग्रहों की चाल क्या कहती है तीसरे फेज में? हाँ, तीसरा फेज गठबंधन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, प्रबल रहने वाला है। ठीक है, मुरादाबाद की सबसे पहले बात करते हैं, गठबंधन की जीत के आसार है क्या मुरादाबाद में? नहीं, कुछ सीटों के लिए तो मैं बिल्कुल उसमें वो नहीं हूँ। मुरादाबाद में स्थिति प्रबल जरूर रहेगी पर जीतने के आसार में टक्कर काटे की टक्कर रहे। चलिए, इतने विवादों के बाद क्या रामपुर में आजम खां को जीत मिलेगी क्या? नहीं, वो जो मैंने सीधे सीधे कहा कि राहु के कारण शनि के कारण ये रहस्य की स्थिति रहेगी, प्रबल मजबूती से फाइट तो करेंगे, लेकिन इससे भी नकार नहीं सकते गुरु जी की टक्कर में बराबर आजम खां। बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर, क्योंकि आजम खां और जया प्रदा दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संभल में गठबंधन के जीतने के आसार है? संभल में इनकी स्थिति प्रबल है। हाँ, चलिए मजबूत। फिरोजाबाद में क्या होगा, गठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा या फिर फिरोजाबाद में तो हाँ शिवपाल जी की कुंडली ज्यादा प्रबल है, लेकिन अगर संगठन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये मजबूत स्थिति में है। टक्कर यहाँ पर भी मजेदार हो रही है चाचा और भतीजे के। चलिए, मैनपुरी में मुलायम सिंह की भारी मतों से जीत, उनकी विजय निश्चित है, लेकर तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल कि दुर्ग है मुलायम सिंह यादव का। बिल्कुल। और एटा में क्या होगा, गठबंधन की गृह दशा क्या कहती है? वहां पर भी इनकी स्थिति प्रबल रहने वाली है और पहले से भी अब ज्यादा इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली जाएगी। ये जो गोचर परिवर्तन है, अब जो चुनाव की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बढ़ेगी आगे, उसमें गठबंधन की स्थिति प्रबल होती चली जाएगी, क्योंकि गोचर से अब गठबंधन को बहुत ही मजबूत समर्थन मिलेगा। बात करते हैं बरेली की, बरेली में क्या गठबंधन का जादू चलेगा क्या इस बार? नहीं, बरेली में गठबंधन की स्थिति कमजोर रहेगी, बरेली में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति प्रबल रहेगी, लेकिन टक्कर यहाँ पर भी टक्कर रहेगी और मजबूत टक्कर रहेगी। चलिए, तो तमाम दर्शकों को जानकारी आपने दी, गठबंधन का विश्लेषण हमने किया, बीजेपी की कुंडली हमने खंगाली और कांग्रेस की कुंडली के बारे में भी जांच पड़ताल की, और कमोबेश स्थिति यही बनी कि गठबंधन और बीजेपी के बीच में काटे की टक्कर है। चलिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम चुनावी पंडित में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।